गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपने सेकंड चैप्टर के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो देखो, आपको न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ प्रैक्टिस आप लोगों ने खुद करनी है, कुछ मैं आपको बता दूंगा। और जब आप अगर खुद न्यूमेरिकल्स करने की ट्राई करोगे उसमें से कुछ समझ में नहीं आता तो आप मेरे से पूछ लेना, परंतु मैं आपने बुक के सभी न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, कुछ आपने खुद भी करने हैं, ठीक है। तो देखो, अब मैं एक न्यूमेरिकल नोट करने जा रहा हूँ और वो क्या है, एग्जाम्पल जो भी है बुक में मिल जाएगा आपको। किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दिया हुआ है, बेंजीन का शॉर्ट में लिखूंगा मैं, बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है 0.850 bar। ये जो बार होता है ये वाष्प दाब का मात्रक होता है, ठीक है। और इसमें 0.5 gram अवाष्प से विलेय घोली है, 0.5 gram अवाष्पशील विलेय घोल दिया। क्या घोल दिया? 0.5 gram अवाष्पशील विलेय को 39 gram बेंजीन में घोला है, 39 gram बेंजीन में घोला गया है। और ये कहता है प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, लिख लेते हैं हम अपने, विलयन का वाष्प दाब मिला इसको 0.845 bar। और अपने को निकालना है मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान निकालना है। किसका निकालना है? ठोस विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है अपने को। तो देखो, अब आपको क्या पता होना चाहिए, जो अणु संख्या के गुणधर्म हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि अपने को बहुत ज़्यादा बार विलेय का मोलर द्रव्यमान ही कैलकुलेट करना होगा, क्लियर। अपने को वैल्यू चाहिए एमबी की, कैलकुलेट करना है जिसको। अब एमबी की जो वैल्यू है, अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो वो फॉर्मूला कहाँ से आएगा देखते हैं अपने। वो फॉर्मूला जो है उसको अपने कैलकुलेट करेंगे अगर, तो वो फॉर्मूला है WB into उसको लिखेंगे अपने, पहले लिख लेते हैं इधर P naught A minus PA। और ये क्या है? वाष्प दाब। और फॉर्मूला है MA into WA। ये फॉर्मूला था। यहाँ पर वैल्यू लिखो पहले सबकी। WB क्या होता है? WB होता है विलेय का भार, मतलब विलेय का भार कितना दिया हुआ है, बेंजीन का वाष्प दाब दिया हुआ है और ये रहा विलेय का भार। WB की वैल्यू कितनी है? WB इज 0.5 gram। ये लिख लिया। फिर चाहिए अपने को MA। MA क्या है? बेंजीन में घोला गया है तो बेंजीन का अणुभार चाहिए अपने को। MA बेंजीन का अणुभार C6H6 कैलकुलेट कर लो, 12 × 6 + 6, 72 + 6 = 78 हो गया। MA की वैल्यू आ गई 78। WA क्या है? WA है विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान कितना है? 39 gram। WA है 39 gram, क्लियर। और यहाँ पर पी नोट ए क्या था, अगर आपको ध्यान है तो पी नोट ए था शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कितना है? देखो, ये रहा ये रहा बेंजीन का वाष्प दाब। बेंजीन है विलायक तो बेंजीन का वाष्प दाब क्या है? 0.850। तो पी नोट ए इज इक्वल टू 0.850, क्लियर। और उसके बाद अपने को पी ए चाहिए। पी ए क्या है? विलयन का वाष्प दाब। ये रहा विलयन का वाष्प दाब, ये है 0.845, क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दो और आंसर निकाल लो। डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है? 0.5 × एम ए की वैल्यू कितनी है? 78 / उधर देखो, डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है? 39। और पी नोट ए अपॉन में ये है जो, वो कितना है? पी नोट ए की वैल्यू है 0.850 अपॉन में 0.850 माइनस 0.845
8845। अब इसको कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेशन करते ही अपने पास वैल्यू आ जाएगी MB की। और MB क्या है, क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान निकालना है। किसका निकालना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट करना है। तो देखो इसको कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हो, 0.5 इंटू 78 बटा 39, और ये कितना हो गया, 0.850 अपॉन में, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.005, ये आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर दो। अब मैथमेटिक्स तो आपको आती है अच्छे से, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, आंसर अपने आप निकाल लेना, क्लियर। क्योंकि जब मैं यहाँ पे मैथ का आंसर निकालूंगा तो फिर अपने क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अब अपने सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्या है अभी चेक करो अपने। तो इसकी कैलकुलेशन आप खुद कर लेना यहाँ पर, इसको जो भी है जो लास्ट जो आंसर क्या आएगा वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं वो कौन कौन सी आती हैं। अगर अपने को वो पता है तो अपने सीधा फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये 0.5 आ जाएगा, 5 इसका जो है आंसर, 5, 4, 9, 10, ठीक है। तो ये आप जो भी है इसको एग्जैक्ट आंसर निकाल लेना। अब अपने नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, और अपने देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपनों ने डिस्कस किया था, और वो था नेक्स्ट टॉपिक था कोथनाक ओनियन। तो कोथनाक ओनियन का जो न्यूमेरिकल देखते हैं अपने, एक बुक में जो दिया हुआ है, बुक वाले सारे न्यूमेरिकल करने हैं आप लोगों ने, मैं सारे नहीं कराऊंगा ये ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, बेंजीन का कोथनाक, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, बेंजीन का कोथनाक दिया हुआ है, बेंजीन का कोथनाक दिया हुआ है, और उसकी वैल्यू है 353.23 केल्विन, क्लियर। एक वाष्पशील विलेय है के 1.80 ग्राम को बेंजीन में घोलने पर, और एक विलेय जो है उसका की वैल्यू दी हुई है 1.80 ग्राम, और 90 ग्राम बेंजीन में घोलना है। कितने ग्राम, 90 ग्राम बेंजीन में घोलना है। घोलने पर जो कोथनाक है, मतलब विलयन का कोथनाक, विलयन का कोथनाक दिया हुआ है, और वो है 354.11 केल्विन, ये हो जाता है। तो विलेय के अणुभार की गणना करो, विलेय के अणुभार को कैलकुलेट करना है, और बेंजीन के लिए KB का मान दिया हुआ है, और वो है 2.53 केल्विन किलोग्राम और मोल इनवर्स, ये क्वेश्चन है। अपने को कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, विलेय का अणुभार कैलकुलेट करना है। अब देखो जितने भी अणु अपने अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उसमें अपने विलेय के अणुभार ही कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई और वैल्यू दी हो तो उसमें अपने को विलेय का अणुभार दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है MB, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, KB इंटू WB इंटू 1000 बटा में डेल्टा TB इंटू, ये आ जाएगा WA। अब अपने को ये वैल्यू पता होनी चाहिए, KB की वैल्यू बोरी दी हुई है, WB क्या होता है, WB होता है विलेय की ग्रामों में मात्रा, ये रही, ये जो विलेय के ग्रामों में मात्रा दी हुई है इसको अपने क्या मानेंगे, WB है ये। और डेल्टा TB निकालना है, WA दिया होगा, WA दिया हुआ है ये रहा। WA क्या होता है, विलेय का भार, अपने को डेल्टा TB नहीं दिया हुआ, डेल्टा TB अपने कैसे निकालेंगे, डेल्टा TB निकालते हैं। देखो डेल्टा अंतर निकालना है, कोथनाक ओनियन है तो विलेय का कोथनाक माइनस विलेय का कोथनाक, विलयन का कोथनाक
सॉरी विलयन का क्वथनांक माइनस, विलयन का क्वथनांक माइनस क्या करेंगे अपने विलय का क्वथनांक करेंगे। तो विलयन का क्वथनांक ये रहा 354.11 माइनस इसमें से करेंगे अपने 353.23, ये आ जाएगा डेल्टा टी। क्या आ जाएगा? डेल्टा टी आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करो और अपने यहाँ पे डेल्टा टी बी की वैल्यू आ जाएगी। और अगर अपन इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी और वो कितना होगा आप लगभग, ये देखो 11 ये 23 ये बच गया 23 कटाते हैं तो 0.7777 और 0.11 जोड़ दो तो ये आ जाएगा 0.88 केल्विन। तो डेल्टा टी बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.88 केल्विन। आंसर उसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, के बी की वैल्यू कितनी है 2.53, डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 1.8 इंटू 1000 अपॉन में क्या लिखेंगे अपने डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी की वैल्यू है 0.88 और डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू ए की वैल्यू है 90। डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 90। इसको जब आप कैलकुलेशन करोगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप लोगों ने खुद करनी है, जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एम बी की और एम बी क्या होगा विलय का अनुभार होगा। क्लियर? अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल वो बोर्ड पे नोट कर लेता हूँ और फिर अपने उसको डिस्कस करते हैं। देखो ये देखो बोर्ड पर आपको एक न्यूमेरिकल दिख रहा है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अपने को अलग काम करना है। और वो क्या करना है, अपने पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। देखो क्या है, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थेलीन में घोला गया है। मतलब यहाँ पर सल्फर तो है क्या विलेय और नेफ्थेलीन है विलायक, में घोलने पर हिमांक में अवनमन इतना मिला और सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है। देखो यहाँ से अपने को नई चीज़ पूछ ली और क्या पूछा, सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करना है और यहाँ पर आपको Kf की वैल्यू दी हुई है। अब देखो यहाँ पर हिमांक आ गया शब्द, कौन सा शब्द आ गया, आपने को कुछ नहीं पता था पहले। अगर हिमांक नहीं आता, क्वथनांक आता तो अपने सिर्फ क्वथनांक वाला फॉर्मूला ही लिखते। यहाँ पर हिमांक आ गया तब अपने को पहले क्या लिखेंगे, आपको जैसे जैसे जो वैल्यू दी हुई है ना उसके हिसाब से वो जिस फॉर्मूले में अपने पुट करेंगे पहले वैल्यू निकाल लो आप। यहाँ पे वैल्यू किसकी निकलेगी, देखो पहले अपने लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर डब्ल्यू ए दिया हुआ है और वो है 1000 ग्राम, डब्ल्यू बी दिया हुआ है वो है 25.6 ग्राम, ठीक है, और डेल्टा टी टी एफ दिया हुआ है और वो है 0.68 केल्विन। कितना है 0.68 केल्विन। अब यहाँ पर क्या है, ये जो है और सल्फर का अनुसूत्र ज्ञात करना है, Kf की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ से अपने एम बी निकालें। क्या निकालें, एम बी, और एम बी क्या होता है फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला होता है के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बटा में डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। यहाँ से निकलेगी पहले एम बी की वैल्यू। अब आपको लग रहा होगा कि एम बी की वैल्यू निकालेंगे और सल्फर का अणुसूत्र कैसे निकलेगा, तो देखते जाओ आप, बहुत ईजी है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल से बहुत ही इजी होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर के बी की वैल्यू लिखते हैं 6.8 इंटू डब्ल्यू बी की वैल्यू लिखते हैं कितना है 25.6 इंटू 1000 बटा में अपने क्या लिखना डेल्टा टी एफ। टी एफ का मान कितना है 0.68 इंटू डब्ल्यू ए की वैल्यू कितनी है 1000। अब इसकी कैलकुलेशन मैं करूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब आपको क्या होगा सल्फर का अणुसूत्र पता नहीं चलेगा। तो देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हट गया और इससे 6.8 आ गया, ये 6.8 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, अपने को वैल्यू मिली। अब देखो ये क्या आ गया, एम बी की वैल्यू आ गई। एम बी क्या है, एम बी अपने लिख लेते हैं सल्फर का अणुभार,
या आप ये मानो कि सल्फर जो लिया हुआ है उसका अणु भार अपने को कितना मिला, 256 कितना मिला, 256 मिला, 256 मिला। अब देखो यहां पर आप लोगों ने क्या करना है कि आपको बताए कि जो सल्फर का एक परमाणु होता है उसका अणुभार होता है 32, कितना होता है 32। अब यहां पे टोटल अणुभार मिला 256, वो भी किसका मिला, सल्फर का मिला। तो ये सोचो कि एक जो परमाणु होता है उसका अणुभार होता है 32, तो यहां पे कितने परमाणु आपस के अंदर जुड़े हुए हैं और एक सल्फर का एक अणु बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि मान लिया, माना सल्फर का ये लिखना है, अणुसूत्र लिखना है। माना सल्फर का अणुसूत्र क्या होता है, ये मान लिया SX होता है। क्या होता है SX, अणुसूत्र का मतलब ये एक परमाणु का भार लिखा है, परमाणु से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, ये आपको पता है। तो अणुसूत्र क्या होता है, SX होता है। अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि जो सल्फर का परमाणु है एक परमाणु का भार है 32 और यहां पे कितने परमाणु है जिनका भार आएगा 256, तो 256 कैसे निकालेंगे, 256 निकालने के लिए मेरे को चाहिए कि भाई टोटल अणु भार निकालूं, इसका क्या निकालूं, अणु भार निकालूं। अब इस SX का अणु भार कैसे निकालूंगा मैं, X या इस X को ऐसे लिख लेता हूं मैं, X इंटू कितना लिखूंगा मैं, 32 लिखूंगा। और अनुभार आया हुआ कितना है, 256, कितना आया हुआ है, 256 इज इक्वल टू एक्स इंटू 32, एक्स की वैल्यू निकालो वो यहाँ लिखेंगे तो अणुसूत्र बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 256 बट्टा में 32, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 8, क्या आएगा 8। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो अणुसूत्र मिला अपने को वो क्या मिला, S8 मिला। ठीक है, तो देखो कोई भी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उस वैल्यू से अपने पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो वैल्यू कौन से फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। जैसे जैसे अपने पुट करते जाएंगे वैसे वैसे अपने आंसर मिलता जाएगा। क्लियर, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूँ और उसके बाद अपने उसको डिस्कस करेंगे। अब देखो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन अपने करेंगे तो इसमें आपको करना क्या है, कौन सा अपने को फॉर्मूला लगाना है, अपने को चाहिए परास्थरण दाब। सबसे पहले अपने फॉर्मूला लिखते हैं, पाई बराबर, देखो परास्थरण दाब का फॉर्मूला होता है CRT, क्या होता है CRT अपने लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पर एक क्वेश्चन को पढ़ो, K4FeCN6 का 0.1 mV 27 डिग्री साफ ताप पर 40% आयनित होता है। यहाँ पर क्या हो गया, आयनन हो गया, आयनन होता है मतलब व्योजन की मात्रा भी आ रही है। अगर व्योजन की मात्रा आ गई यहाँ पे, फिर अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, I की वैल्यू, मतलब आयोटा मतलब वांट ऑफ गुणांक। अब ये वैल्यू है क्या, ये सारी यहाँ पर चेक कर लो, देखो सी की वैल्यू दी हुई है क्या, और अपने को R की वैल्यू ये दी हुई है, T की वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस, C की वैल्यू ये रही, ये कितना है 0.1 m, कितना है ये 0.1 m है। तो आप इसको C को क्या मान लो, 0.1 मान लो। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में दिया, इसको अपने केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको अपने लिखेंगे 25 + 273 और ये हो जाएगा 300 केल्विन। अब देखो सारी वैल्यू आ गई क्या, सी की आ गई, आर की आ गई और टी की आ गई, आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू व्योजन की मात्रा में निकालने के लिए एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद है तो वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं। इसमें सबसे पहले अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं अपने अलग से। आई की वैल्यू थी 1 α(n-1)/1, ये था। ठीक है, तो 1 α(n-1) क्या आ गया, 1 आ गया और अपॉन में 1 आ गया। तो देखो अब ये अल्फा क्या है, अल्फा है 40% आयनित हो गया, अल्फा क्या है आयनन की मात्रा, अल्फा की वैल्यू है 40%। परसेंट को अगर मैं सीधा लिखूं तो मैं ये लिखूंगा,
अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आपको एन की वैल्यू नहीं पता, किसकी वैल्यू नहीं पता, एन की वैल्यू नहीं पता। मैंने आपको बताया था कि जब वियोजन की मात्रा में कोई एक जो यौगिक होगा उसके कितने आयन बनेंगे, नंबर ऑफ आयन मतलब आयनों की संख्या निकालनी है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए के फोर एफ ई सी एन जो सिक्स होता है, ठीक है, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका जब अपने आयनन करते हैं तो ये बदलता है के फोर पॉजिटिव में और प्लस फोर बनेगा ये, और प्लस में एफ ई सी एन सिक्स, ये टू टाइप्स के आयन में डिवाइड होता है। अब टोटल आयनों की संख्या देखनी है, चार ये हैं और एक ये है, चार ये हैं और एक क्या है ये है, तो अपने क्या टोटल संख्या कितनी होगी, पाँच। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू अपने कितने लिखेंगे, पाँच लिखेंगे। पहले अपने i की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और फिर अपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, अपने निकालेंगे पाई का मान, पाई मतलब प्रसरण दाब की वैल्यू। तो यहाँ से i कैलकुलेट करो, वन प्लस अल्फा का मान कितना है, इस एक का तो कोई मतलब नहीं बनता, 46/100, और n कितना है 5 - 1, इसको कैलकुलेट कर लो, 1 + 46/100 × 4 आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 25, 1 + 46/25, इसको कैलकुलेट करोगे तो 25 और क्या आ गया 25 + 46, और ये हो गया 6 × 5 = 11, 4 × 2 = 61/25, इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 25 और 3 होते हैं, अगर 3 से करें तो 75 आ जाएगा, और आप ये लगभग आप ये मान लो 2.8 के करीब आ जाएगा, सही है 2.8 के करीब आ जाएगा, 2.75 लिख दो, 2.85 लिख दो, 2.80 लिख दो, सारा कुछ सही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू कितनी आ गई 2.8, सी की वैल्यू कितनी है देखो उधर 0.1, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.082, और टी की वैल्यू कितनी है 300, तो ये यहाँ पर वैल्यू आ गई। इसको आप कैलकुलेट कर लेना और किसका मान आ जाएगा, पाई का मान आ जाएगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद करोगे। अभी अपने इतने ही न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और बाकी को जो आपके रिमेनिंग न्यूमेरिकल है वो आप लोग अपने आप करना, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।